जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने सीटी एब्डोमेन के बारे में पढ़ा था, उसका प्रोटोकॉल पढ़ा था, उसमें नॉर्मल हम एनाटॉमी सीटी में किन चीज़ों पर फोकस करते हैं हमने वो देखी थी। आज हम कॉमन पैथोलॉजीज इन सीटी एब्डोमेन देखेंगे। सबसे पहले एसआईटीज आ जाती है। एसआईटीज मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी है। अगर आप यहाँ पर डिफ्रेंस देखें, ठीक है, कि हमने इसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि सीटी पे हमें ये एसआईटीज किस तरह की नज़र आएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लीवर है, दिस वन इज लीवर, लेकिन यहाँ पे सिरोसिस ऑफ लीवर है और ऑलमोस्ट ये तकरीबन सीवियर सिरोसिस है लीवर की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट करना है किसको, ग्रे स्ट्रक्चर को, ठीक है। कलर कलर के लिहाज से अगर हम देखें तो कितना ग्रे है, कितना वाइट है, कितना ब्लैक है, इसके लिहाज से हम क्या करते हैं, चीज़ों को आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो मोर ग्रे है, तो इट्स मीन कि ये एसाइटीज है, दिस वन ये फ्लूइड है, फ्लूइड कलेक्शन हुई हुई है, ये एसाइटीज है, ये लिवर है, ये स्प्लीन है। लिवर की और स्प्लीन की जो इकोजेनेसिटी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, थोड़े के इससे एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रही होती है। तो ये सारी सीवियर एसाइटीज का पेशेंट है ये। दिस वन इज वर्टिब्रा, ये पेशेंट की पोस्टीरियर साइड है, ये पेशेंट की अंटीरियर साइड है, ये एक्सियल इमेज ऑफ सीटी है जो हमें एसाइटिक अगर पेशेंट हो तो हमें यहाँ पे इस तरह से हम उसको एसाइटिस को रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके मेजरमेंट्स लेके इसके वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम स्वेयर मॉडरेट या माइल्ड है एसाइटिस उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। जी, तो सेकेंड पैथोलॉजी है एच सी सी, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अल्ट्रासाउंड इमेज है, यहाँ पे ये मैस को उन्होंने बॉर्डर लाइन किया हुआ है, बाउंड्रीज आपको नज़र आ रही है मैस की। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लेन सीटी है, लेकिन ऑरल कंट्रास्ट के साथ। ऑरल कंट्रास्ट का हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें स्टमक में कंट्रास्ट नज़र आ रहा है वाइट एरिया, और ये एयर है जो ब्लैक नज़र आ रही है, ये कंट्रास्ट नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे एओर्टा को देखें तो ये हमें ग्रे नज़र आ रही है, जैसा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट लीवर का है वैसा ही हमें एओर्टा का नज़र आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये विदाउट कंट्रास्ट है, प्लेन स्कैन है, ठीक है। यहाँ पे ये हमें लाइट से बाउंड्री नज़र आ रही है, लग रहा है कि यहाँ पे एक मैस पड़ा हुआ है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई पैथोलॉजी है। तो हमने अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये क्या चीज़ है, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, कंट्रास्ट देंगे। जब हम कंट्रास्ट देंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखें एओर्टा में कंट्रास्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है कि हमारे पास बाउंड्रीज बन जाती हैं कंट्रास्ट। अब अगर किडनीज को देखें तो हमें यहाँ पे क्या है, हाई डेंसिटी मटेरियल कंट्रास्ट नज़र आ रहा है। ये एमआरआई का इमेज है, गैडोलीनियम हम कंट्रास्ट देते हैं, कवर्नस मेंजियोमा लीवर, ठीक है। यहाँ पे तीन फेजेस हैं। अब हिमेंजियोमा और एचसीसी में डिफरेंस क्या होता है कि जब हम एचसीसी प्रोटोकॉल करते हैं, हम क्या करते हैं, एक प्लेन स्कैन लेते हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, आर्टेरियल फेज लेना होता है, फिर हमने क्या करना होता है, डिलेड आर्टेरियल ले सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट आर्टेरियल के बाद हम वेनस फेज पे जाते हैं और फिर हम एक डिलेड फेज लेते हैं। अब जब हम एचसीसी को देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आर्टेरियल फेज, ये जो आर्टेरियल फेज है इसमें वो हमें इस तरह से इन्हेंस्ड नज़र आएगा, ठीक है, और बाकी लीवर में हमें इतना कंट्रास्ट नज़र नहीं आता। यहाँ पे देखें तो ये सारी पेरिफेरी पे हमें कंट्रास्ट वेसल्स नज़र आती हैं, ये हमें हेमेंजियोमा और एचसीसी दोनों सेम नज़र आएंगे। उसके बाद वेनस फेज जब हम लेते हैं तो क्या होता है, जो कंट्रास्ट होता है वो उस मैस से, उस लिगन से वॉश आउट हो जाता है और बाकी आपको लीवर में कंट्रास्ट नज़र आ रहा है। यहाँ तक तो एचसीसी और हेमेंजियोमा की अपेयरेंस सेम रहती है, लेकिन एचसीसी को अगर हम डिलेड फेज पे लें तो वो हमें और ज़्यादा वॉश आउट नज़र आएगा, वो और ज़्यादा हमें वॉश आउट नज़र आएगा। लेकिन हेमेंजियोमा हमें डिलेड फेज में क्या होता है, इन्हेंस्ड नज़र आएगा। ये डिफरेंस होता है हेमेंजियोमा का और एचसीसी का। जब हम हेपेटिक प्रोटोकॉल करते हैं या हेपाटोमा प्रोटोकॉल करते हैं या फिर हम डिफरेंट फेजेस लेते हैं सीटी के। उसके बाद मेटास्टैटिक लीवर्स को अगर देखें तो वो हमें इस तरह की डिफरेंट अपेयरेंस हो सकती है। ये अल्ट्रासाउंड का इमेज था, जब हमने उसको आगे नेक्स्ट देखा है तो हमारे पास डिफरेंट, जब ये क्या है हमारे पास कंट्रास्ट के साथ सिटी, ये सारे मेट्स पड़े हुए लीवर में नज़र आ रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं जिनमें कंट्रास्ट है जो कि आपको वाइट नज़र आ रही, ये ऑरल कंट्रास्ट है जो हमें गट में नज़र आता है, ये स्प्लीन है। उसके बाद ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी है, इंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी है, ये आपके पास क्या होता है कि
जब हम लेट फेज लेते हैं या वीनस फेज लेते हैं तो कंट्रास्ट जो है वो क्या होता है, सारा वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद लीवर एब्सेस है, दिस वन इज लीवर एब्सेस टाइप, थोड़ा सा कम्प्लेक्स मैश टाइप नज़र आता है। यहाँ पे हमें थोड़ा सॉलिड कंटेंट, थोड़ा सा फ्लूइड कंटेंट, मिक्स इकोजेनेस्टिक कंटेंट हमें नज़र आता है। ठीक है, ये ऑरल कंट्रास्ट है जो स्टमक में हमें नज़र आ रहा है, और ये वेसल्स में है, ये आईवी कंट्रास्ट। उसके बाद कोलिडोपोलीथियसिस। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो पहले हमारे पास अल्ट्रासाउंड इमेज है। ठीक है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड इमेज में हमें क्या होगा, शेडोइंग स्टोन हो सकता है या फिर नॉन शेडोइंग भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल शेडोइंग स्टोन है। ठीक है, इन अ डायलेटेड बाइल डक्ट, नो शेडोइंग से थोड़ा समय पीछे इसके शेडो नज़र आ रहा है। अब उसके बाद हम जब इसको सीटी पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें डिस्टल कॉमन बाइल डक्ट स्टोन, अब ये डक्ट है इसके अंदर हमें स्टोन नज़र आता है। ठीक है, स्लाइटली डेंस कंपेयर्ड विद द सराउंडिंग लो डेंसिटी बाइल। तो हम इसकी डेंसिटी को कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे अगर एरो हेड लगाएं, ठीक है, हम जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, और इसकी डेंसिटी को हम मेयर कर सकते हैं, और फिर हम साथ जो सराउंडिंग एरिया उसकी डेंसिटी को अगर हम मेयर करें तो हम आपस में इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर स्टोन है तो उसकी डेंसिटी किस रेंज में आ रही है, अगर नॉर्मल मास है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं तो उसकी डेंसिटी किस रेंज में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो सी टी आई वी सी शोज अ स्मॉल स्टोन विद इन द ओपेसिफाइड डिस्टल कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब ये ओपेसिफाइड हुई हुई है लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें छोटा सा स्टोन नज़र आ रहा है उसके अंदर। उसके बाद पैंक्रेटाइटस अगर हो तो इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज हो जाती है, तो उसके अपेयरेंस हमें सीटी पे इस तरह की नज़र आती है, इसमें नेक्रोटिक हमें चेंजेस नज़र आती हैं और इन्हेंसमेंट पैटर्न नज़र आता है उस पार्ट का जहाँ पे पेंक्रेटाइटस हो, जहाँ पे इन्फेक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पेंक्रियाटिक हेड पे हमें इन्हेंसमेंट नज़र आ रही है, बाकी जो है वो नॉन इन्हेंस्ड है, क्योंकि हमने जब आईवी कंट्रास्ट दिया हमें एओर्टा में कंट्रास्ट मिल रहा है, वेसल्स में कंट्रास्ट है, तो वो यहाँ पे इन्हेंसमेंट नज़र आ रही है, बाकी हमें इन्हेंसमेंट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या है, पेंक्रियाटिक हेड का पेंक्रेटाइटस है। पेंक्रियाटिक अगर सीए है, ठीक है, तो पेंक्रियाटिक अगर कार्सिनोमा हो तो उसकी वजह से एडजस्टेड एडिनोपैथी भी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा साथ में एडजस्टेड एडिनोपैथी। ठीक है, ये सारा पेंक्रियाज है। ठीक है, उसका ये सारा जो मैस है वो क्या हुआ हुआ है, स्प्रेड हुआ हुआ है। तो साथ ये वाले हम इमेज देखें तो यहाँ पे अगर पेंक्रियाज पे हम फोकस करें तो हमें यहाँ पे वीनस अक्लूजन नज़र आ रहा है, अ ट्यूमर इन द पेंक्रियाटिक बॉडी। ठीक है, लॉन्ग हैरो को अगर आप फोकस करें, पेंक्रियाटिक बॉडी में क्या है, ट्यूमर है जिसने क्या किया, हैज अक्लूडेड द सप्लैनिक एंड पोर्टल वेन्स। अब हमें यहाँ पे पोर्टल वेन और सप्लैनिक वेन को हम ट्रेस ट्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसने क्या किया हुआ, उसको मैस ने उसको ट्यूमर ने उसको अक्लूड कर दिया है, ब्लॉक कर दिया, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल वेनस कोलेट्रल्स स्मॉल एरोज। ये देखिए, ये कोलेट्रल्स बन रही है, मल्टीपल वेनस कोलेट्रल्स। जाहिर है उसने ब्लड सप्लाई ने कंपनसेट तो करना है, जब एक मेन जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो गई है तो उसकी जगह पे मल्टीपल कोलेट्रल्स निकलती हैं जो कंपनसेटरी ब्लड जो सर्कुलेशन है उसको पूरा कर रही हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो हमें स्प्लेनोमगैली भी मिल सकती है एससीसी के केस में, या पेंक्रियाटिक सीए है तो उसको पेशेंट के साथ स्प्लेनोमगैली हो सकती है, हम स्प्लेन का साइज मेजर करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे फोकस करें देखें तो हमें पेंक्रियाज में मेट्स भी नज़र आ रही है, ये छोटा सा यहाँ पे देखें तो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, ये मेट्स भी हो सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद फियोक्रोमोसाइटोमा अगर है तो ये कैसा ट्यूमर होता है, एड्रीनल ग्लैंड्स का होता है। ठीक है, और ये कब होता है, इज फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ ट्यूमर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड दैट काजेज एक्सेस रिलीज ऑफ एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से एक्सेसिव रिलीज होती है हॉर्मोन्स की, वो हॉर्मोन्स जिन्होंने रेगुलेट करना है हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को। तो यहाँ पे अगर आप, ये एड्रिनल ग्लैंड का कार्सिनोमा है, ठीक है, ट्यूमर है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है कि आपको किडनी से ऊपर वाले लेवल पे एड्रिनल ग्लैंड्स नज़र आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, नीचे फिर किडनीज नज़र आना शुरू होती है, जब हम ऊपर वाले लेवल पे होते हैं तो हमें एड्रिनल ग्लैंड्स नज़र आते हैं,
दिस वन इज ए प्लेन स्कैन विद ऑरल कंट्रास्ट, हमें गट में कंट्रास्ट नज़र आ रहा है, जो ब्लैक है ये एयर है, ये क्या है प्लेन स्कैन। उसके बाद हम जब कंट्रास्ट पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे तो हमें उसमें डिफ्रेंशिएट नज़र होता है, डिफ्रेंशिएटिंग फिर हमें फीचर्स नज़र आना शुरू होते हैं, उसकी बाउंड्रीज हमें सही नज़र आना शुरू होती हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है, कॉम्प्लेक्स है, सॉलिड है या क्या है, होमोजेनियस है, वो हमें नज़र आता है कि इसमें सॉलिड कंटेंट है, फ्लूइड कंटेंट है या किस तरह का कंटेंट, हम उसकी डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं कि कंटेंट किस तरह का है। अब अगर रीनल सिस्ट है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये राइट साइड पे, ये नॉन कंट्रास्ट इमेज है विद ऑरल कंट्रास्ट, यहाँ पे अगर देखें तो ये कंट्रास्ट है, ये इतना डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है कि ये देखें यहाँ पे हमें रीनल जो पैरेन्काइमा है ये टिश्यूज है उसमें कंट्रास्ट नज़र आ रहा है, और जो सिस्ट है उसकी एग्जैक्टली सही बाउंड्रीज डिस्क्रिमिनेट हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास अगर NECT हम देखें, CT कंट्रास्ट एनहेंस CT देखें शोइंग मल्टीपल सिस्ट इन बोथ किडनीज लीवर एंड पेंक्रियाज, ठीक है, नॉन इनहेंस्ड है और कंट्रास्ट इनहेंस्ड। अब यहाँ पे देखें तो हमें मल्टीपल सिस्ट नज़र आ रही हैं, लिवर में भी हैं, किडनीज में भी हैं, स्प्लीन में भी हैं, और उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्या है इनहेंस्ड है, ठीक है, और ये यहाँ पे सारी सिस्ट हैं वो आपस में फिर डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, ये इनहेंस्ड है, ये नॉन इनहेंस्ड CT है, पेंक्रियाज में भी डिफरेंट सिस्ट पड़ी हुई है। उसके बाद रीनल अब्सेस है, दिस वन इज रीनल अब्सेस जिसका होमोजेनियस स्ट्रक्चर नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता है, जिसमें क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ये सॉलिड फ्लूइड टाइप का कंटेंट नज़र आ रहा है राइट साइड पे, ये राइट साइड पे रीनल अब्सेस है। रीनल अब्सेस 30 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विद सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन विद लॉइन पेन, CT डिमोन्स्ट्रेट अ थिक वॉल्ड सिस्टिक लेयन इन द राइट किडनी, ठीक है, इन कीपिंग विद एन अब्सेस CT इज पार्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर इन्फेक्शंस इन्फेक्शंस दैट इन्वॉल्व द पेरिनेफ्रिक स्पेस विच इज नॉट वेल डिमोन्स्ट्रेटेड विद अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे पेरिनेफ्रिक जो स्पेस होती है वो अगर अल्ट्रासाउंड पे देखें तो हमें इतनी वेल डिफाइंड नहीं होती, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हम उसको कर सकते, वेल डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन CT पे वो हम क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या है RCC ट्रांजिस्टेंट सेल कार्सिनोमा ऑफ द किडनी प्री सेटिंग एज अ सॉलिड रीनल मैस, ठीक है, रीनल कार्सिनोमा जो होता है RCC। CT परफॉर्म्ड विद द कंट्रास्ट डिमोन्स्ट्रेट अ लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड एंड पुअरली वास्कुलर मैस इन द मिडल ऑफ द लेफ्ट किडनी, दिस वन अगर आप यहाँ पे देखें और इसको देखें तो यहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस तो है जिसकी वजह से लंग जो नॉर्मल पैरेन्काइमा टिश्यू है वो क्या है कम हुआ है, लेकिन इसमें हमें मैस नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें सिस्टिक कम्प्लेक्स टाइप का मैस नज़र आ रहा है, देर इज एन एनलार्ज लेफ्ट पैराओर्टिक लिम्फ नोड्स, ठीक है, पैराओर्टिक लिम्फ नोड्स एओर्टा के राउंड पेरिफ्रीज में पड़े होते हैं जो पैराओर्टिक लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, विच इज आल्सो मेटास्टेटिक, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास रीनल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा जिसको हम कहते हैं। उसके बाद CA ब्लैडर हो सकता है, अब ये MRI का इमेज है, अगर हम CT पे भी देखें तो हमें वहां पर भी बहुत अच्छा इमेज नजर आ जाता है, CA ब्लैडर पेपिलरी ब्लैडर कैंसर प्रोड्यूसिंग अ टाइनी फिलिंग डिफेक्ट, ठीक है, अब टाइनी राउंड सॉफ्ट टिश्यू मैस इज नोटेड अलोंग द इंटीरियर राइट इंटीरियर ब्लैडर वॉल, ठीक है, अब ये क्या है इंटीरियर साइड पे है, राइट साइड पे क्या है एक छोटा सा हमें फिलिंग डिफेक्ट नज़र आ रहा है कि पूरा जो ब्लैडर है वो फिल है, ठीक है, और हम इसको इस तरह से भी असेस कर सकते हैं कि जब हम डिलेड जब कंट्रास्ट पेशेंट को देते हैं, ठीक है, और कंट्रास्ट देने के बाद जब हम डिलेड फेज लेते हैं, हम वेट कर लेते हैं, तो क्या होता है जो कंट्रास्ट होता है वो किडनी से पास होने के बाद ब्लैडर में फिल होता है, तो फिर क्या होता है कि इस तरह से ब्लैडर की पूरी बाउंड्री बन जाती है। अब जिस जगह पे कोई मैस या कोई ट्यूमर होगा वहाँ पे हमें फिलिंग डिफेक्ट नज़र आएगा, बाकी सारा ब्लैडर जो है वो होमोजीनियस होगा, तो हम इसको वैसे फिर क्या कर सकते हैं डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो ये CA ब्लैडर का केस है। उसके बाद अगर अपेंडिसाइटिस हो तो अ 43 ईयर ओल्ड मैन विद अपेंडिसाइटिस कंट्रास्ट इनहेंस CT डिपिक्ट्स अ फॉलिड फ्लूइड फिल्ड डिस्ट्रैंडेड अपेंडिक्स, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड अपेंडिक्स, ठीक है,
विद पैरी। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके पास क्या है, ये अब नॉर्मेलिटी है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस क्या होता है कि अपेंडिक्स जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इसमें इसके अंदर कैविटी नज़र आ रही जो कि फ्लूइड फिल्ड है। तो हम इस तरह से इसको, अब ये हमने स्कैन किया है, कौन सा है, ये प्लेन नहीं है, ये कंट्रास्ट ओरल कंट्रास्ट भी है, गट में हमें कंट्रास्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने आईवी कंट्रास्ट पेशेंट को दिया क्योंकि हमें आईवीसी और एओर्टा में कंट्रास्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद बाउल अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, तो वो इस तरह से हमें डिस्टेंडेड नज़र आ सकती है। लेकिन अगर हम ऑरल कंट्रास्ट दें तो फिर क्या हो सकता है कि अगर फुली ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑरल कंट्रास्ट वहाँ तक नहीं जाता और वहाँ पे ब्लॉकेज होती है, या फिर क्या होता है कि जो ब्लॉकेड एरिया होता है वहाँ उससे नीचे क्या होता है, डिस्टेंडेड बाउल पड़ी हुई होती है। लीवर लेसरेशन विद एक्टिव हेमरेज, दिस वन, लीवर रप्चर हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री हो सकती है, कोई एक्सीडेंट की हिस्ट्री की वजह से क्या हो सकता है कि वहाँ पे कोई जो रिप थी वो ब्लॉक वो हो गई है, रप्चर हो गई है, या फिर कोई बाहर से फॉरेन बॉडी है वो क्या है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या है, फॉरेन बॉडी जो है वो अगर अंदर चली जाए बॉडी में तो उसकी वजह से भी लीवर जो है वो रप्चर हो सकता है, और उसकी वजह से फिर हमें लीवर लेसरेशन नज़र आ सकती है। और साथ में एक्टिव हेमरेज भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है कि उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ स्कैनिंग पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, स्प्लेनिक इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, या फिर किसी रिब के फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है कि रिब फ्रैक्चर हुई है और उसका जो हेड है उसने उसको स्प्लीन को रप्चर कर दी है। ओके, हमारा लेक्चर आज का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो हमने सीटी एब्डोमेन का प्रोटोकॉल, ठीक है, और उसमें हमने नॉर्मल एनाटॉमी किस तरह से देखनी है, किन चीज़ों को फोकस करना है, अगर पैथोलॉजीज़ है कॉमन कौन कौन सी हो सकती हैं, और हमने उसका किस तरह से सीटी स्कैन करना है वो हमने इन लेक्चर में डिस्कस किया था।